खबर बलिया से है, जहां दहेज लोभी ससुराली जनों ने विवाहिता को की आग के हवाले। बुरी तरह से जिंदा जली विवाहिता। विवाहिता के नाम से दो कट्टे जमीन को हड़पना चाहते थे ससुराली जन। सास ससुर और पति ने की आग के हवाले। दर्द से करा रही महिला ने बताई अपनी पूरी आपबीती। जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है विवाहिता। कोतवाली पुलिस ने नहीं सुनी परिजनों की फरियाद। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जपलीन गंज का है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मणिलाल जायसवाल है। क्या क्या है? मणिलाल जायसवाल। अच्छा, रसवा से आया हुआ हूँ। अभी आप बनवाट के बाहर खड़े हैं, आपकी बहन सिस्टर भर्ती है, क्या हुआ है? चला दिया गया रात को। किसके द्वारा? उसके पति हैं, ससुर हैं, सास हैं, ननद हैं, देवर हैं, यही लोग सब मिलकर के रात को प्रताड़ित किए हैं। आखिर क्या वजह है जलाने की? वजह है उसके नाम से जमीन था, बाबूजी दिए थे दहेज में। अच्छा। और उस जमीन को बार बार लोग कहते थे कि बेच दो बेच दो। बहन की दो लड़कियां हैं छोटी छोटी। बहन कहती थी कि नहीं, छोटी बच्चियां हैं, बड़ी होंगी शादी में काम आएगा। क्या नाम है आपकी बहन का? जो लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। और आपके जिया जी का? जिया जी का नाम है राजेश गुप्ता। कहाँ शादी हुआ? बनिया जापलीनगंज पानी टंकी के बगल। मतलब कुल मिलाकर दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे कि वो जमीन जो तुम बेच दो। वो रात को नहीं तैयार हुई बेचने के लिए, तो उसी के नाते उसको मारे पीटे लोग। फिर कोठरी में जब चिल्लाने लगे लोगों से बचाने की मदद मांगी, तो कोठरी में बंद करके और उसको चला दिए लोग। फिर जो लोग इकट्ठा, हमको सुबह सूचना मिली है। अच्छा, इसको हॉस्पिटल में कौन लाए थे? उनके पति लाए हैं रात को, लेकिन ना पुलिस को सूचना दिए हैं, रात को डॉक्टर भी रिफर कर दिए हैं, वो भी कोई सूचना नहीं मिली। अभी आपके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है? हमारे द्वारा। एक कोई पुलिस कर्मी आए हैं? हाँ, पुलिस कर्मी आए हैं, लोग देखे हैं, लोग लिखा पढ़ी किए हैं। लिखा पढ़ी में बस 112 आए हैं, नाम लिखे हैं। अच्छा। और इलाज के लिए बोल रहे हैं कि आप लेके जाइए, उनका पति भाग। आप क्या चाहते हैं? हम इलाज चाहते हैं कि पहले बहन का इलाज हो सही रूप से। अच्छा। सही इलाज मिले, फिर आगे जो जो उचित कार्रवाई हो।